जिले निर्मल के शहर भैंसा में आज जुमेरात के सपहर रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। भैंसा पुलिस स्टेशन के एडिशनल एसपी कांतिलाल पाटिल की क्यादत में रैपिड एक्शन फोर्स व दीगर पुलिस अमले ने शहर की आवाम में एतमाद को बहाल करने के मकसद से फ्लैग मार्च किया। इस मौके पर एएसपी और रैपिड एक्शन फोर्स के अहदेदार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ज़िले निर्मल के हसास मुकाम पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसमें भैंसा शहर भी शामिल है। इन्होंने कहा है कि फ्लैग मार्च के जरिए शहरों से वाकफियत हासिल करते हुए मुस्तकबिल में किसी भी नागहानी सूरत हाल पर बेहतर तरीके से काबू पाने के लिए इकदाम किए जाते हैं और तमाम को ये पैगाम दिया जाता है कि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी दस्ते इनकी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार है। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर भैंसा सीनू और सब इंस्पेक्टरान के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के अहदेदारान भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं इस खसूस में मजीद तफसील। इसी तरह की मजीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर लाइक करें, फेसबुक पर फॉलो करें। आज भैंसा शहर में रूट मार्च करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के एक कंपनी आई है। इसका मेन टारगेट ये होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर और थोड़ा सा या जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया होते हैं स्टेट में, वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स रूट मार्च करते हैं। तो आज आईजी अपना सीआरपीएफ से असिस्टेंट कमांडेंट आए सर से बात कर लूँ। सर आर एफ क्या क्या करते हैं सर, थोड़ा बता देंगे आर एफ क्या क्या मतलब आर एफ क्या करते हैं और आज क्या क्या होगा ये सर थोड़ा बता देंगे। हम जो है हैदराबाद से आए हुए हैं। एक सी कंपनी का प्लाटून आया हुआ तकरीबन 75 जवान, और जो निर्मल डिस्ट्रिक्ट जो हाइपर सेंसिटिव ये मार्क किया गया, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम सेंसिटिव एरियाज को फ्लैग मार्च करते हुए सभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है पब्लिक में, ताकि पब्लिक जो है एक अच्छी सुरक्षित महसूस करें और उनकी रक्षा के लिए हम है बोल के एक विश्वास दिलाना, इस तरीके से हम काम करते हैं। और जब इसके अलावा भी कभी कोई नेचुरल कलामिटीज या नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गया, जैसे भूकंप हो गया, कहीं कोई फ्लड्स आ गए, तो हम तुरंत आकर के आपकी सहायता के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। इसके लिए हम सारे रूट्स को अच्छी तरह जानकारी ले लेते हैं, ताकि हम तुरंत आकर के आपको सहायता दे सकें। पब्लिक को हमेशा हम सहायता रूप में हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारा यही एक उद्देश्य है, सेंसिटिव पॉलिसिंग विद ह्यूमन टच, प्लीज़ अवर वोट। जय हिंद, जय भारत।